नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया, कंप्यूटर विद प्रभात वालिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, साथ के साथ वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, यानी कौन सा वीडियो कब आ रहा है, किस टॉपिक की पढ़ाई होने वाली है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सारी जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, कमेंट करके हम में आप प्रतिक्रिया भी देते रहें, जिससे हम आपसे बातें करें। दोस्तों, पिछली कुछ क्लासेस के बाद बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं या मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, वो बार बार डिमांड करें कि सर कुछ मोटिवेशनल बातें बताया करो आप, जिससे हम इंस्पायर हो, हम पढ़ें। दोस्तों, जो आप कोशिश कर रहे हैं उसकी दिशा आपको बिल्कुल सही रखनी है। मैं थोड़ा सा आस्तिक व्यक्ति हूँ, यानी भगवान पर विश्वास रखने वाला हूँ। उसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कोशिश की और आपको उसका फल इतना ही मिला, यहाँ तक आपको उसका परिणाम मिल चुका है, अब इतनी मेहनत आपकी बेकार चली गई, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपने 10 टॉपिक तैयार किए और किसी एग्जाम में एक टॉपिक के ही प्रश्न आ गए। इस टॉपिक के बारे में यही तो बात है कि हमने कुछ सिंपल चीजें पढ़ ली, कुछ मुश्किल बातें आ गई, या हमने जो पढ़ा उसकी तो पहले दिन की क्लास से टॉपिक आ गया, बाकी मैं क्यों पढ़ूं। कुछ लोग वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं, पूरा देखते ही नहीं है, यानी ये पूरा वीडियो आपने नहीं देखा, केवल इतना देखा और आपको यहीं पर फल मिल गया, किसी को यहां पर फल नहीं मिला। भी दो प्रकार के व्यक्ति होंगे, आपने इतनी मेहनत की थी, यहां पर किसी को फल मिल गया, किसी को नहीं मिला। जिनको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगली बार जब आप नेक्स्ट किसी एग्जाम पर जाओगे तो भगवान या ये पेपर या ये टॉपिक क्या करता है, जो आपने अतिरिक्त मेहनत की थी ये आपके अगले एग्जाम में आपके काम आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ, ये पूरा जो आपने कोशिश की है, मेहनत की है, ये आपके काम आएगा, लेकिन कब काम आएगा, इस बार नहीं आया तो अगली बार आएगा, अपने आप पर, अपने भगवान पर, अपने माता पिता पर या अपने गुरु पर आप लोगों को विश्वास करना है। जो बातें आपको सिखाई जा रही है उन बातों पर अमल करना है। मोटिवेशन में केवल मैं इतनी ही बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, एक लक्ष्य बनाइए, उसकी तरफ बढ़ते रहिए। कितनी देर पढ़ें गुरुजी, ये सवाल बच्चे पूछते हैं मुझसे। अरे पढ़ने के लिए देर थोड़ी चाहिए, आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहिए, आप ना पढ़ने का समय निकालिए। पढ़ना कितनी देर है उसके लिए नहीं पूछना है, कितनी देर नहीं पढ़ना, अरे भाई जितनी देर मन नहीं के मत पढ़ो, मन करे उतनी देर पढ़ लो। मन का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन ही पढ़ने का नहीं करे। जब पढ़ने बैठ जाओ तो टाइम देखकर नहीं उठना है, जितनी देर तक पढ़ सकते उतनी देर पढ़ो। किसी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए आपको मैक्सिमम लिमिट तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी इस समय कंपटीशन ज़्यादा है, 60% से सिलेक्शन नहीं होगा, मेरिट तो आजकल 70-70% से भी ज़्यादा जा रही है, यानी कंपटीशन एग्जाम में भी बच्चे पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत साथ के साथ आपकी सही दिशा में भी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था किसी भी बाइनरी को, ऑक्टल को, हेक्साडेसिमल को किसी दूसरे नंबर में बदलना। अब उनका हम पहले देखते हैं फ्रैक्शन वाला पार्ट, यानी अब अगर बाइनरी का फ्रैक्शन हो तो कैसे करेंगे, ऑक्टल का फ्रैक्शन हो तो कैसे करेंगे, हेक्सा का फ्रैक्शन हो तो कैसे करेंगे और किसी अन्य नंबर का भी फ्रैक्शन हो तो कैसे करेंगे। दोस्तों देखो, भाग देना, गुणा करना आपका काम है, मेथड सिखाना मेरा काम है। मैं 2 दशमलव तक तो करवा दूंगा, 4 तक करवा दूंगा, 8 तक, लेकिन भाग जोड़ आपको ही करना पड़ेगा। कैसे, मैं कर रहा हूं, इस बार वापस से वही नाम लिखते हैं, कौन सी संख्या है अपने पास फ्रैक्शन वाली, यानी कौन सी संख्या, मैं बोलूं इसे भिन्न संख्या। चलिए, क्या है भिन्न संख्या, नंबर बाइनरी का है, क्या है, 101 पॉइंट। अब इसमें तो लेफ्ट राइट का पता ही नहीं चल रहा है, तो मैं एक बार 0.1 ले लेता हूं,
एक बार 0.01 ले लेता हूँ, एक बार 0.101 ले लेता हूँ। ये तीन सीख जाओगे तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। ये बाइनरी का फ्रैक्शन जो हमें डेसिमल तक लेकर जा रहा है। पिछली बार 2 से गुणा किया था, सोल्व करने के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 से चल रहे थे। इसके लिए क्या लगाएंगे? 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1। क्या है पता नहीं चला, चलिए नहीं चला तो चला देते हैं। 1011.01 का बेस कितना है? 2। बदलो इसे डेसिमल में। इधर ये संख्या साथ के साथ हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। कैसे? 1 गुणा 2 की पावर 0 प्लस 1 गुणा 2 की पावर 1 प्लस 0 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 1 गुणा 2 की पावर 3। यही हो रहा है। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4 ही है, तो पावर 3 तक होगी। समझ आने वाली बात इतनी है। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 को गुणा किया 1, 2, 0, 8। यहां तक तो ठीक है, ये कर रहा था मैं। अब पॉइंट वाले के लिए -1 करना, यही मैं बता रहा था। प्लस का टिक लगा दो, 0 गुणा 2 की पावर -1। इधर आ रहे थे प्लस हो रही थी, इधर जा रहे हैं क्या होगी? माइनस। तो याद क्या रखना है साथियों, दोस्तों, मित्रों, कि अगर हम पॉइंट वाले बाइनरी को डेसिमल में बदलते हैं तो 2 की पावर -1 को उसको किस साइड लेकर जाते थे पहले अपन? लेफ्ट। इसमें कहां लेकर जाएंगे? दाई ओर से गुणा करेंगे, यानी बाई ओर से गुणा करेंगे, माफ कीजिएगा, दाई ओर की तरफ करेंगे। चलिए फिर क्या लिखूं? वापस से लिख दिया मैंने, 2 गुणा 1 गुणा 2 की पावर -2। गुरुजी प्लस वाला तो समझ आ रहा था, माइनस वाले में दिक्कत आएगी। अब दिमाग में बैठ गई बात, दिक्कत आएगी उसको तो आएगी। जो सोच रहा है पहले वाला समझ आया, गुरुजी इस बार उससे ज्यादा समझ आएगा। यानी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो पहली वीडियो क्लास हमने ली थी, जो पहला लेक्चर हमने बाइनरी का पढ़ा था, वो आपको सबसे कम समझ आया होगा, और अब जो पढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा आ रहा होगा। कारण क्या है? उस समय तो हम बेसिक सी नहीं जानते थे, उसमें तो हमने केवल वो बातें की थी जो बाइनरी के बारे में होती है। यहां पर हम क्या बातें सीख गए हैं? पिछली 2-3 क्लासेस में हमने देखा है कि कैसे एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम उन चीजों को पहचानते हैं। ये सब चीजें हम क्लास बाय क्लास देख रहे हैं। उम्मीद मैं साथ के साथ ये करूंगा कि आपने कॉपी बना रखी होगी, रेगुलर आप क्लास ले रहे हैं, समझने की भी कोशिश कर रहे होंगे। साथ के साथ इन जो छोटी छोटी चीजें हैं, पॉइंट बनते हैं, इनको क्लास खत्म होने के बाद कॉपी में अलग पेन से लिख लीजिएगा। सुंदरता हमेशा आकर्षित करती है, चाहे वो नारी की हो चाहे वो पढ़ाई की हो। पढ़ाई की सुंदरता कैसे बनेगी? आप नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। क्लास में आप लोगों ने देखा है जिसके नोट्स अच्छे होते हैं उनके नोट्स दूसरा बच्चा भी पढ़ता है। राइटिंग अभी हम फिलहाल इन लेक्चर्स के लिए सिंपल वाले बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं। जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, जैसे आप अपना रेस्पॉन्स देंगे, वैसे ही हम डिजिटल बोर्ड की ओर भी बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम उम्मीद कर रहे हैं जितना कंटेंट मुझे देना है इसी बोर्ड से मिल रहा है। अब मैंने इतनी बातें कर ली, ये तो मैं भूल गया क्या करना चाह रहा था। अरे भाई ये तो मुझे निकालना ही आता है, मैंने निकाल दिया। ये निकालना है किसी नंबर की पावर अगर माइनस में हो, 1 बट्टा करके उसे प्लस में कर सकते। अगर किसी नंबर की पावर प्लस में हो, 1 बट्टा करके उसे माइनस में कर सकते हैं। यानी पावर ऊपर जाती है प्लस हो जाती है, नीचे आती है माइनस हो जाती है। नीचे प्लस होती है तो ऊपर जाने पर माइनस, ऊपर प्लस है तो नीचे आने पे माइनस, ऐसा उल्टा होता है। अब ये -1 है तो 0 वाले का तो सीन ही हटा दो। इधर चलो 1/4 मतलब हो गया इसका,
कैलकुलेट करके ही लिख दिया मैंने। एक बटे चार को बोलते हैं 0.25, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब क्या आया, 8, 10, 11, 11.25 का बेस 10। उम्मीद कर रहा हूं समझ आया होगा। जितना ध्यान से बात को सुनेंगे उतना ही समझ आएगा। अब इधर मैं क्या -1 -1 कर रहा था, उस लफड़े को वापस देखते हैं। कुछ मैं याद कर लूंगा, कुछ पॉइंट मैं समझ जाऊंगा। पॉइंट वन है, एक ही नंबर, आगे कितने जीरो लग जाए फर्क नहीं पड़ेगा, पहले जीरो लगने का फर्क पड़ेगा। मैं पहले पॉइंट वन सिखा देता, इक्वल्स टू 1 × 2⁻¹। या 1/2 या 50। ये इसका सिंपल कंसेप्ट है। 0.01 0 × 2⁻¹। इसको करना ही नहीं है, जीरो है, प्लस का टिक लगाना है, 1 × 2⁻², या 1/4, या 0.25, यही होगा। 0.001 सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। -1 -2, इनको छेड़ना नहीं है क्योंकि दो जीरो है पहले से। अब क्या करें, 1 × 2⁻³, 1/8, निकालना। कैसे निकलेगा, इससे आधा ये था, इससे आधा ये था, इससे आधा ये होगा, क्या 0.0001 निकालना है। वो सिंपल तरीका है, ये चीजें बाइनरी वाले के लिए मुझे याद रह जाएगी। भाग कैसे दे रहा हूं मुझे दिख रहा है, गुणा कैसे कर रहा हूं मुझे पता चल रहा है, आसानी से इन चीजों को मैं समझ सकता हूं। इनका मुझे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि जीरो है, गुणा करने पे ऑलरेडी जीरो बन जाएंगे। प्लस प्लस 1/16, 1/16 क्लियर, हाँ ना बताइएगा, या -4, या जो आंसर मुझे चाहिए 0625 हो गया। अब मैंने कुछ मान निकाल लिए हैं जो मुझे इनके साथ काम आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखो, यहां तक तो सीधा ही आ रहा था, 01 है, इसका भी आ गया 101 है, 1 का बताओ कितना था, 1 का बताओ निकाला था अभी 2 के बाद 2 जीरो के बाद ये रहा 5, 2, 6, 0.625। कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं समझ आया होगा। कुछ लोगों को नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक बार इसे वापस रिपीट करता हूं। अभी हम इन भिन्न संख्याओं को देख रहे थे, कुछ नियम उधर बन गए,
उधर वाली अगर बात रिपीट करना चाहूं तो मैं वापस बता रहा हूं, पॉइंट वन था, माइनस से गुणा करना है 2 की पावर -1 से, 2 की पावर -1 थी, नीचे जाकर प्लस में हो जाती तो 1/2 बोल दूं, 1/2 को आधा बोलते, आधा का मतलब 0.5 सीधा बना। 0.01 था तो सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड से लेकर चलना, उसको राइट से चलते थे, 0 × 2 की पावर -1 + 1 × 2 की पावर -2। इसका कोई मतलब इसलिए नहीं था, पावर किसी में आए प्लस में माइनस में फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसे जीरो से गुणा कर देते हैं तो वो पावर क्या बन जाती है, जीरो। चलिए 1 × 2 की पावर -2, -2 का मतलब 1/4, 1/2 की पावर -2 1/4, 1/4 का मतलब आधे से भी आधा, तो आधा कितना था 0.50, आधे से आधा कितना आ गया 0.25। मैं तो ये तो नॉर्मल जुगाड़ वाली गणित लगा रहा हूं, भाग देना आता है आपको दे लीजिएगा। 0.001 है, -1 -2 जीरो है, -3 का मतलब 1/8, 1/8 का मतलब आधे से आधा, उससे भी आधा, चौथे हिस्से का आधा, चौथे हिस्से का आधा 25 से भी आधा, 0.25 का मतलब 250, 250 से मतलब आधा 125, 125 पॉइंट। मैंने तो ऐसे दिमाग लगा के किया। 3 में देखो 1/16, 1/16 का मतलब 1/8 का आधा, 1/8 कितना है 125, 125 को मान लूं मैं 1250, 1250 से आधा 625, तो 0.625 इसका आधा, तीन संख्या का पॉइंट है, इससे आधा करेंगे तो 625 नहीं आएगा क्योंकि ये तो 125 है, 1250 का ही तो आएगा, तो इस प्रकार मैं इसे कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे कोई नंबर देगा बाइनरी वाला तो मैं आसानी से निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जिससे आपको बातें समझ आ जाएगी। क्या है कोई भी नंबर 1 1, इसका तो केवल अपन समझने के लिए रख रहे हैं, बाकी मतलब तो आगे वाले संख्या का 1 0 1 0, इस आगे 0 0 0 0 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पॉइंट के आगे कितने ही जीरो लग जाए उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो ये तो मैं छोड़ देता हूं, केवल ये नंबर रखता हूं। बदलना कौन से वाले में है भाई, अभी फिलहाल हम केवल 10 वाले का ही गेम खेल रहे हैं, 10 वाले को ही समझ रहे हैं, क्या बनेगा कैसे बनेगा वो देखिएगा। इधर वाले के लिए 1 × 2 की पावर 0 + 1 × 2 की पावर 2, यहां तक गणित समझ आ रही है, प्लस इधर वाले के लिए इस साइड से 1 × 2 की पावर -1 + 0 × 2 की पावर -2, इसके लिए बताओ 1 × 2 की पावर -3, इसका मतलब 1, इसका मतलब यहां 1 आएगी ना 2, ये 3 हो गया, 3 + इसका मतलब 1/2 यानी 0.5 प्लस इसका मतलब 0 प्लस इसका मतलब 1/8, 1/8 का मतलब 0.5 है, 0.5 से आधा 0.25, 0.25 से आधा 0.125, ये कैलकुलेशन है, इसका मतलब हुआ तो 3 + 0.5 यानी 6.75 इक्वल्स टू 3.675 का बेस 10। ये हमने सीखा किसी बाइनरी फ्रिक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। इसी तरह दोस्तों हम किसी हेक्साडेसिमल या डेसिमल या ऑक्टल फ्रैक्शन के साथ काम कर सकते। दोस्तों अब पढ़ने हैं अपन बाइनरी को ऑक्टल में बदलना। पिछली क्लासेस में हमने देखा है बाकी सभी नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते थे, यहां पर हमें अब कन्वर्ट करना है बाइनरी को ऑक्टल में,
ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है जहां पर आप कुछ बात को समझेंगे। बाइनरी को ऑक्टल में सीखेंगे, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में सीखेंगे, इनको रिवर्स करना भी सीखेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसका आधार दो है और इसे हम कौन से वाले में बदलना चाहते हैं, आठ वाले में बदलना चाहते हैं। दोस्तों इसका डायरेक्ट तो कोई मेथड है नहीं कि हम इसे आठ वाले में बदल पाए, लेकिन इसका थोड़ा सिंपल सा मेथड है जिसको हम थोड़ा आगे पीछे कर कर बदल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि दो को आठ में बदलना नहीं आता, पहले इसे दस में बदलूं और फिर कितने में बदल दूं, आठ में। ये तरीका है, तो इस तरीके को थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना लेते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, बात समझ आ जाएगी। क्या बना रहा हूं, नंबर है 110110101। कोई एक नंबर लिया है अपन ने, ऐसे आगे 11 और लगाकर बेस 2 कर देता हूं। इसको बदलना है आठ वाले में, पहले इसका डेसिमल बनाएंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा कि हम इसमें कंफ्यूज होकर बैठ जाएंगे क्या करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, क्या तरीका मैं अपना रहा हूं, एक सिंपल सा मेथड है। क्या है इसका नियम देखना, दाई ओर को बोलते हैं राइट साइड, यानी आपको राइट साइड से तीन बाइनरी के सेट बनाने, राइट साइड से आपको तीन बाइनरी के सेट बनाने हैं, तीन ऐसे, एक दो तीन ऐसे, तीन के सेट बनाने हैं। अब प्रत्येक के लिए डेसिमल लिखते, डेसिमल लिखो कैसे, 101 पांच की बाइनरी है, 101 पांच की बाइनरी है, 101 पांच की बाइनरी है, ये सात की बाइनरी है, आठ। ये इस नंबर का ऑक्टल नंबर हो गया है। अगर मैं देखूं 101 0 0 0 1 0 1 0, यही ले लेते हैं, चलो 01 और लगा देते हैं, एक और 1 लगा लेते हैं, आपकी मर्जी है उतने 1 लगा लो, आपकी मर्जी है उतने 0 लगा लो। अब क्या करना, इस साइड से तीन। दिक्कत क्या आ गई, इधर कितने रह गए, 2, कोई बात नहीं, इसके आगे हम क्या जोड़ लेंगे, 0। इधर 2 रह गए तो इसके आगे हम क्या जोड़ लेंगे, 0। ये किसकी बाइनरी है भैया, ये इसका ऑक्टल क्या है, इसका डेसिमल क्या है, क्या कर रहा हूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बताओ गुरुजी, दोबारा बताओ, शुरू से बता दो। कैसे बताऊं कि बाइनरी को हम बदलना चाह रहे ऑक्टल में, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, बदलना कौन से में, 8 वाले में। ये नया है मेथड, पहले तो हमने अभी 10 वाले को 2 वाले में, 2 वाले को 10 वाले में, 10 वाले को 8 वाले में, 8 वाले को 10 वाले में, ये सीख रखा था, ये तो नया आ गया मेरे लिए। तो नए को मैं कैसे करूं कि मुझे जो ये नंबर दे रखा है ऑक्टल, क्योंकि ऑक्टल का मतलब 8 होता है, इसलिए तीन के सेट बनाएंगे, कितने के सेट बनाएंगे, हर बार सेट राइट साइड से बनेगा, कौन सी साइड से बनेगा, राइट से, 1 2 3 3। इसका मतलब 111, ये कैसे निकाला, 1 2 4, 111 का मतलब कितना, 7, ये बदलना आता है, पहले सीख रखा है अपने, तो अब इसको बदलूंगा तो कितना आएगा, 3, इसे बदलूंगा तो कितना आएगा, 2, इसे बदलूंगा तो कितना आएगा, 6, इसे बदलूंगा कितना आएगा, 4, इसे बदलूंगा कितना आएगा, 2, बेस कर दो 8। अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है बात, ठीक है। ये हमने किया किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलना, हमने ऐसे तीन के सेट बना दिए।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ज्यादा करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, वरना हम लोगों ने एक ट्रेडमार्क बना रखा है कि हम हर जो टॉपिक है उसके दो दो एग्जाम्पल तो कम से कम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अब देखो, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0, ये हम जो बात कर रहे हैं, और जीरो लगवा लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 0 कोई बात नहीं, जो आपको नंबर जितना बड़ा अच्छा लगे बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, जो लोग ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को, एक बार कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा, कौन सी साइड से बनाने हैं सेट अपने को, राइट साइड से। कितने के बनाने हैं, तीन तीन के, तीन तीन के ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ऑक्टल है, एक कम रह गया तो आगे जीरो लगा लो कोई बात नहीं, दो कम रह जाए तो दो जीरो लगा लो, तीन कम रह जाए तो फिर जीरो लगाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, तीन तो अपने आप में कम रहते ही हर बार, क्योंकि तीन का ही सेट होता है। ठीक है, मैं इस साइड से लिखूं, इस साइड से लिखूं, उसको यहां नहीं लिख सकता, जहां जगह है उसके आगे ही लिखना है मुझे, इधर वाले को क्या बोलूंगा, चार, इधर वाले को दो, इधर वाले को चार, इधर वाले को छः, इधर वाले को छः, इधर वाले को दो, ये हो गया बेस कितना इसका, आठ। ये हमने सीखा है बाइनरी को ऑक्टल में बदलना। दोस्तों, इसके साथ हम सीखना चाहें, बात करना चाहें, तो कह सकते हैं बाइनरी को ऑक्टल में नहीं बदलेंगे इस बार, इस बार हम बाइनरी को बदलेंगे हेक्साडेसिमल में। इतनी देर किसमें बदला था हमने, ऑक्टल में बदला था, अब किसे किसमें बदलेंगे, इस बाइनरी को हम बदलेंगे अब हेक्सा में, यानी बाइनरी को हमें बदलना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। इसका आधार, इसका आधार, ये तो क्लियर हो गई होगी बात, आधार में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आधार कितना है किसका है ये आप लोगों को पता चल गया है। चलिए, नियम क्या कहता है, कौन सी ओर से, दाई ओर से, चार चार, बाइनरी डिजिट के सेट और प्रत्येक का हेक्सा डेसिमल लिखो। पिछली बार हमने कितने का सेट बनाया था, तीन का, इस बार हम कितने का सेट बना रहे हैं, चार का। क्यों भाई, पिछली बार आठ था तो तीन हुआ, अब सोलह है तो चार हो जाएंगे। नंबर लिख दो भैया कोई भी, 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर जितना मर्जी बड़ा ले लो, इतना बड़ा नंबर है इसीलिए तो मुझे मेथड याद करना पड़ रहा है, वरना तो मैं इसको पहले डेसिमल में बदल लेता, फिर डेसिमल को वापस इसमें बदल देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है बात। अब चार चार के सेट बनाने हैं, चार चार के सेट कैसे बनेंगे, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, अकेला रह गया तो अकेले को अकेला ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये कितने हैं, आठ चार दो छः है, ये तो, ये कितने हैं, ये भी छः ही है, एक जैसे ही दिख रहे हैं, ये कितने हैं, तीन, आगे वाले आठ और चार बारह और एक तेरह है, तेरह का यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए का मतलब दस, बी का मतलब ग्यारह, सी का मतलब बारह, डी का मतलब तेरह, तो क्या लिखेंगे, 1663 और आगे वाला वर्ड डी, बेस कितना, सोलह। आ गई बात समझ में, एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल था, डिस्कस किया था हमने कि हर के दो दो एग्जाम्पल तो कम से कम क्लिक करेंगे, हर के दो दो एग्जाम्पल तो कम से कम हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे ही। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, इसके बाद देखो, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल ये सब आसान तो है,
लेकिन ये याद कैसे रहते हैं भी? अगर बच्चा कोई कमेंट करता है, ये व्हाट्सएप करके बात करता है, तो पहला सवाल ये कहता है, इतनी बातें याद क्यों रहती है, कैसे रहती है, कैसे रख पाते हो? दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट वाइज इंटरेस्ट बन जाता है तो उससे आपको बातें याद रहना शुरू हो जाती है। एक और खास बात होती है, जो अध्यापक आपको पढ़ा रहा होता है उसे तो एक सब्जेक्ट याद करना होता है भाई, और जो विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं उसे तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो उनको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। दूसरी बात, हम भी क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर करके उस चीज़ को इतना सीख जाते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन दिखता है उसका आंसर आपको सीधा ही मिल जाता है। कई बार तो ऐसी दिक्कत भी आती है, घर वाली पूछ लेती है सब्जी किसकी बनाऊं, तो ये बोलते ऑप्शन दे भाई, क्योंकि क्लास में मास्टर को आदत क्या पड़ी रहती है, कोई भी बच्चा सवाल करेगा तो उसको क्या मांगने की आदत पड़ गई, ऑब्जेक्टिव की वजह से क्या पूछता है, ऑप्शन। अब उससे भी ऑप्शन पूछ लेते हैं। एक दिन तो मैं बोला ऑप्शन दे, बोली आलू प्याज आलू टमाटर आलू गोभी आलू मटर, तो मैंने कहा फिर इसमें ऑप्शन भी क्या देना है भी, आलू बनाने तो आलू बना ले, ऑप्शन देगी तब भी आलू ही आलू जोड़ दिया सबके साथ, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो क्योंकि मास्टर पढ़ाते पढ़ाते हर चीज में उस जगह पहुंच जाता है ऑप्शन, ऑप्शन भाई ठीक है कोई बात नहीं। 216 तक अपन आ गए, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1011 00 11 11 01 11 01 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
जितने मर्जी लगा लो इससे क्या फर्क पड़ता है, आपको करना पड़ेगा। चलिए, जो लोग फास्ट हैं कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए। बेस कितना है? 2। एक, 2, 3, 4, 5 कितने रह गए भैया इधर? 3। कोई बात नहीं, इधर 1-0 लगा लो। ये किसका है? 6 का। 8, 4, 12 और 1, 13। एक बार मैं इनको इधर लिख देता हूं, ए बी सी डी ई और एफ। 10, 11, 12, 13, 14 और कितने होते हैं? 15। कोई बात नहीं, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये किसका बना? 6 का। ये किसका बना? 8, 4, 12 और 13। 13 को क्या बोलते हैं? डी। ये किसका बना? 9 का। ये किसका बना? 15। 15 को क्या बोलते हैं? एफ। ये किसका बना? 7 का। ये किसका बना? 9 का। आ गई बात समझ में? अभी हमने सीखा था कि बाइनरी को हम बदल सकते थे किसमें, बाइनरी को हम बदल सकते थे किसमें? ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। आज की क्लास में ये टॉपिक कन्वर्जन वाला खत्म हो जाएगा। 3 दिन से 2 दिन से आप शायद ये कन्वर्जन ही पढ़ रहे हो, तो आज हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन के लिए मैं अलग से एक टेस्ट पैटर्न लेकर आऊंगा, जिसके लिए आप एकलव्य कंप्यूटर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैंने आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा रखे हैं, जहां आप टेस्ट दे सकते हैं। जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, थोड़े दिन में उसका सॉल्यूशन वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो एक बार आप टेस्ट पेपर में जाकर, वहां पर स्टडी मटेरियल ऑप्शन है, उसमें वीडियोस भी है, स्टोर पर जाकर टेस्ट पेपर भी है, आप बुक की पीडीएफ भी वहां पर परचेज कर सकते हैं। खूब सारी फैसिलिटी आपको वहां मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि इतनी देर जो किया उससे उल्टा भी कर लेते हैं। उल्टा कैसे करें बताओ? हमने अभी क्या सीखा था कि हम बदल सकते हैं ऑक्टल को बाइनरी में, बदल सकते हैं भाई। तो अब किसको किसमें बदले? कितने बदलते रहेंगे गुरुजी? 3 दिन हो गए बदलते बदलते। कोई बात नहीं भाई, आज और बदल लेते हैं। अब की बार हम बदलेंगे ऑक्टल को बाइनरी में। ऑक्टल को बदलेंगे किसमें? बाइनरी में। ठीक है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 7, 3, 4, 2, 1, 0, 5 इतना बड़ा दूंगा, छोटा देना ही नहीं है। बदलेंगे कौन से में? 2 वाले में। क्या है नियम? नियम रूल, ध्यान में रखने योग्य बातें।
बातें क्या है? प्रतीक उक्तल के लिए कम से कम, प्रत्येक ओक्टल के लिए कम से कम 3 डिजिट का बाइनरी लिखे। प्रत्येक ओक्टल के लिए कम से कम कितने डिजिट का बाइनरी लिखना है? 3 डिजिट का ही बाइनरी लिखना है। कैसे? 7 को बाइनरी में क्या कहते हैं? 1 1 1। 3 को क्या कहते हैं? 1 1। ऐसे लिख दो इसको, कितने का बन गया? 3 का। 4 को क्या कहते हैं? 1 0 0। ऐसे की ऐसे लिख दो। 2 को क्या कहते हैं? 1 0, आगे 0 लगा दो। 0 को 0 ही कहते हैं तो कितनी बार 0 लिख दो? 3 बार। 5 को क्या कहते हैं? 101। बेस कितना कर दो? 2। हमने बदल दिया है ओक्टल को बाइनरी में। एक और उदाहरण लेते हैं, 5 2 0 6 3 1 7, 0 लगा देते हैं। 2 बार आ गया 0। क्या नहीं आया? 4 4 भी लिख देते हैं। क्या जरूरी है कि सारे नंबर देगा? छोटा भी दे सकता है। क्या दिक्कत आ रही है? कैसे? 5 को बोलते हैं 101, 2 को बोलते हैं 1 0 1 0, आगे लगाना है। 0 को तो 0 0 बोलते हैं बस। जैसे पिछली बार हमने क्या किया था, 3 3 के सेट बनाए थे, उसी को इसमें शामिल कर दिया। इस बार क्या कह रहे हैं कि हर के लिए आप 3 3 डिजिट का बाइनरी लिख दो। 6 को क्या बोलेंगे? 3 को क्या बोलेंगे? 1 को क्या बोलेंगे? 7 को क्या बोलेंगे? 4 को क्या बोलेंगे? और बेस कितना लगा दो? 2 का। ये हमने किस्म को किस में बदल दिया? ओक्टल को बाइनरी में बदल दिया। ठीक है दोस्तों, अब अगर हमें बदलना हो ओक्टल को बाइनरी में नहीं, ओक्टल की जगह पर यहां पर आ जाएगा कौन सा? हेक्सा और डेसिमल। अच्छा, हेक्सा डेसिमल में बस क्या ध्यान में रखना पड़ेगा ये देखते हैं। इसमें हमने कितने लिखे थे? 3 लिखे थे, कम से कम 3। इसमें कितने लिखेंगे? प्रत्येक किसके लिए? हेक्सा के लिए। कितने डिजिट के लिखने होंगे? 4। कम से कम कितने डिजिट का बाइनरी लिखेंगे? 4 डिजिट का लिखेंगे ही लिखेंगे। कैसे देख लो, एक बार A2C10 का बेस 16 है, बदलना 2 वाले में। A को बोलते 10, 10 का मतलब 1010, 0010। C को बोलते हैं, A का मतलब कितना हुआ था? 10। B का मतलब कितना हुआ था? 11। C का मतलब कितना हुआ था? 12। तो क्या बोलेंगे? 12, ये 12 की बाइनरी। 1 की बाइनरी 001, 0 की बाइनरी 4 बार 0। बेस कितना? 2। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं, C2F098, बेस 16। सी को 12 बोलते हैं तो 12 की बाइनरी 1100, 2 को बोलते हैं 0010, ये 2 मैंने एक्स्ट्रा लगाई, ये 2 की बाइनरी है। एफ को 15 बोलते हैं तो 4 बार 1 आ जाएगा। ये आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से याद रहने लग जाएगा। 0000, 9 को 1001, 8 को 1000, और बेस कितना? 2। यहां तक बात सबको समझ आ रही होगी। अब हमारे पास इसका लास्ट कन्वर्जन बचा है। लास्ट कन्वर्जन में क्या रह गया? क्या हमने हेक्साडेसिमल को ओक्टल में बदलना सीख लिया क्या, या हमने ओक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलना सीख लिया क्या? इसके लिए मैं आपको नियम बता देता हूं।
और दोनों का एक एक सिंपल सा एग्जाम्पल करवा देता हूँ। क्या है नियम पहले तो वो देखो, फिर बात करेंगे कि सिंपल एग्जाम्पल क्या होगा वो देखेंगे। क्या है नियम सुनो, किसको किसमें बदलना है, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को हेक्सा में। नियम क्या है, प्रत्येक ऑक्टल को, चलिए पहले यहां ले लेता हूं, पहले बाइनरी में बदलना होगा। बस उधर वाला कुछ छोड़ देता हूं, पहले बाइनरी में बदलना होगा। डायरेक्ट कोई भी मेथड नहीं है, ये बात मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि वही लाइन मैं आपको जो ऑक्टल में लिखा चुका था वही लाइन मुझे आपको यहां वापस लिखानी पड़ रही थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले इन दोनों को बाइनरी में बदलना ही पड़ेगा, सीधा कोई भी तरीका नहीं है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, फोर, चलिए इससे अच्छा लिखता हूं, बी टू सी का बेस 16 बदलो भैया 8 वाले में। इसका जो भी आंसर आएगा उसे वापस हम बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो जाएंगे। फिर बी का मतलब होता है ए बी 11, 8 और 3 11, 0 0 1 0। सी का मतलब होता है 12, 1 1 0 0। ये हो गया इसका बाइनरी, कौन सा हो गया, बाइनरी हो गया। अब इसको चाहिए ऑक्टल, तो ऑक्टल का नियम क्या कहता है, किसी बाइनरी को ऑक्टल में बदलने के लिए दाई ओर से कितने के सेट बनाए, तीन तीन के, एक दो तीन तीन, इसे बोलेंगे पांच, इसे बोलेंगे चार, इसे बोलेंगे पांच, इसे बोलेंगे चार का बेस कितना 8। ये हो गया अपना आंसर, सॉल्यूशन हो गया। अब अगर हमें कह दे कि ये नंबर है किसका, हेक्सा का, और इससे ये नंबर है किसका, ऑक्टल का, इसे बदलो हेक्सा में, तो आंसर यही आना चाहिए, तब तो हमारा मेथड सही है वरना गलत है। ट्राई करके देखते हैं, जो लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हैं क्लास पढ़ रहे हैं वो खुद ट्राई करें। चलिए उधर कर देता हूं मैं, जगह है, क्या लिखा, 5 4 5 4, बेस कितना 8, बदलना कौन से वाले में, 16 वाले में। तरीका क्या था, 5 की बाइनरी। अब अगर पहले मैं 5 को लिखूं तो 101, 4 को लिखूं तो 100, 5 को लिखूं तो 101, 4 को लिखूं तो 100, यही बनेगा, 2 वाला आ गया। इसमें मैंने कितने के सेट बनाए थे, 3 के, इसमें कितने के बनाऊं, 4। इसका मतलब हो गया 12, 12 को बोलते हैं सी, इसका मतलब 2, इसका मतलब 11, 11 को बोलते हैं बी। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। दोस्तों नंबर सिस्टम टॉपिक में किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना हम लोगों ने सीख लिया है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हम आगे की क्लासेस में आप लोगों के लिए क्या नया इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।